बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तंदूर का भी फ्लेवर आना है, बहुत क्रीमी है। दिस इज लव, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। आई थिंक ये सबकी ही फेवरेट हो गई। हेलो 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 गाइस, कैसे हो? हाउ आर यू का सेकंड, वेलकम टू द व्लॉग। गाइस आज हम जा रहे हैं कनाडा के थिएटर्स में। तो यार मैं बोर हो रहा था तो सोचा चलो यार कोई मूवी देखते हैं, तो अचानक से ही प्लान बनाया। एंड अभी कभी एक नई मूवी लगी है जो कि है बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ लगी है, स्टार बाय। तो इसमें हीरो है अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। तो मूवी का रिव्यू भी मैं आपको दूंगा और साथ साथ में कनाडा में थिएटर्स कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगा। और ये मूवी हम रेक्लाइनर्स में देखते हैं, तो रेक्लाइनर्स का सिस्टम यहाँ पे कैसे होता है हम वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर टाइम मिला तो और कुछ जगह एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं सिनेप्लेक्स। तो ये है सिनेप्लेक्स सिनेमाज, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या सीन है। दोस्तों ये है अपनी सिनेप्लेक्स का थिएटर, एंट्रेंस थी वो, देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सीन है, यहाँ पे थोड़ा गेमिंग सेक्शन भी है, अलग अलग टाइप्स के गेम्स है, बच्चों के लिए बड़े भी है खेल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये गेमिंग सेक्शन भी, अगर गेम्स वगैरह खेलना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, मजे करने आप आ सकते हो। खाने का सेक्शन भी वहाँ पे था। और कनाडा में एक इंडिया से ये एक अलग बात है कि आप टिकट्स यहाँ से भी ले सकते हो वो स्क्रीन से, तो मैं आपको वो स्क्रीन दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप दो तरीके से निकाल सकते हो अपने टिकट्स, एक होता है ऑनलाइन वाला एंड एक होता है ये यहाँ पे मशीन्स पे आके। तो आप डायरेक्टली मशीन पे आइए, जो भी आपको मूवी देखनी है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपना पे कीजिए इस मशीन में एंड यू आर गुड टू गो। सो ये इंडिया में मैंने कभी देखा नहीं था, पता नहीं अब का क्या सीन है कि अब आ गया है नहीं ये मशीन, लेकिन कनाडा में ऐसे मशीन्स होते हैं यहाँ पे। तो गाइस वो थे दो मेथड जिससे आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। और एक मेथड, अगर आप स्कॉशिया बैंक के अगर मेंबर हो तो उसके हर क्रेडिट यूज़ पे आपको कुछ सीन पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आपके पास सीन पॉइंट्स हो तो आप वो सीन पॉइंट्स यूज़ करके भी अपना टिकट खरीद सकते हो। जैसे कि हमने आज के, हाँ तो हमारे पास सीन पॉइंट्स थे तो हमने टिकट वहाँ से बुक कर दिया, सो हमारा टिकट फ्री था। सो इस तरीके से आप सीन पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हो एंड मूवीज़ अपना इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अपनी टिकट का बार कोड स्कैन करा के हम अंदर आ चुके हैं एंड हमारा ऑडिटोरियम नंबर है 11। एंड यहाँ पे गई, जैसे इंडिया में अपनी मेटल डिटेक्टर से टेस्ट वगैरह होती थी, हम अपनी चेकिंग होती थी, तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। आप डायरेक्टली आओ, अपना टिकट स्कैन कराओ और अंदर। सो कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं। मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। What's happening? Ready for some action? तो गाइस मूवी हो चुकी है डन और पूरी एक्शन पैक मूवी थी, लाइक कुछ ज़्यादा ही एक्शन था इतना भी एक्शन नहीं चाहिए, बट मूवी बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया। सोल्जर्स का दिखाया गया है तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं मूवी के बारे में, आप जाइए और देखिए। और रिक्लाइनर में भी मज़ा आया, आराम से बैठे थे, बीच बीच में नींद भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो जाऊँगा, बट पूरी एंजॉय की मूवी, बहुत मज़ा आया। और एक चीज़, हाँ यहाँ पे कनाडा में यहाँ पे इंटरवल्स नहीं होते, लाइक इंटरवल लिखा ज़रूर आता है लेकिन ये इंटरवल में कोई टाइम नहीं देते, जैसे अपने यहाँ इंडिया में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमें इंटरवल ब्रेक मिलता था, यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, मूवी नॉन स्टॉप चलती है, इसलिए कभी कभी बंदे का दिमाग भी थक जाता है कंटिन्यूस देख के। अगर आपको खाना पीना हो तो आप पहले ही ले लो क्योंकि इंटरवल होता नहीं है, फिर आप बीच में जाओगे तो उतनी आपकी फिल्म मिस हो जाएगी। सो खाना पीना पहले ही लेके जाना एंड ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। तो होपफुली आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्म मिला हो कि यहाँ पे कनाडा में थिएटर्स कैसे होते हो एंड ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मूवी हो चुके हैं डन और अब हमें लग रही थी बहुत सारी भूख,
टाइम हो चुका है 12:17, लेकिन भूख है कि मानती नहीं। तो हम आ गए हैं एक प्यारे से रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो आपको दिखा था, चलो बाहर जाके वो रेस्टोरेंट। ये है वो रेस्टोरेंट सहोताज लाइव ग्रिल, चलते हैं और दिखाता हूँ मैं क्या सीन है अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सहोता लाइव ग्रिल रेस्टोरेंट में, और गाइज यार इतना सुंदर रेस्टोरेंट ये निकला, आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में। इतना सुंदर गाइज, इतना प्यारा बनाया इन लोगों ने, और ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि यार ये इतना सुंदर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हम तो घर पे जा रहे थे और हमने ऐसे ही सोचा कि यार अपने वहाँ वो एक 24 घंटे खुला होता है स्वीट मार्ट, तो उधर से कुछ खाना ले लेते हैं। हाउएवर हमने ऐसे ही सर्च किया कि कोई आसपास शरी में अपने थिएटर के आसपास कोई रेस्टोरेंट खुला है, तो ये हमें दिख गया, तो सोचे कि चलो जाके चेक करते हैं। यार ये देखो इतना प्यारा रेस्टोरेंट मिल गया, वाह। अब रेस्टोरेंट तो प्यारा है, अब देखते हैं टेस्ट कैसी है, टेस्ट भी तो प्यारी चाहिए। तो फूड हमने ऑर्डर कर दिया है, 3-4 डिश की है, आने के बाद मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा, तब तक मैं एंजॉय करूंगा ये प्यारा सा रेस्टोरेंट के नज़ारे। तो दोस्तों तंदूरी सोया चाप मेरा आ चुका है, अब फटाफट से इसको टेस्ट करता है। बहुत खट्टा मीठा और चटपटा है गाइस, बड़े अच्छा है, इट्स गुड। तंदूर का भी फ्लेवर आ रहा है, बहुत क्रीमी है, और ये चटनी भी अलग ही है, ऐसे अचार टाइप मुझे पुदीने की चटनी लग रही है। तो ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा ज्यादा ही चटपटा है, बट इट्स गुड। दोस्तों सेकंड डिश आ चुकी है, जो कि है मेरी सबसे फेवरेट चिकन मोमोज। आय हाय, इट्स लव, दिस इज लव, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन रह रहा हूँ मैं कनाडा में वैंकूवर में, बट जब भी सरी आने का मौका मिलता है मैं मोमोज छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये इंडिया जैसे होते हैं। बट अभी इस रेस्टोरेंट के ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये चटनी इन लोगों ने दी है, वाह, इट्स रियली गुड गाइस। वैसे तो मैं मोमोज के रिव्यू को लेके बहुत हार्श रहता हूँ हमेशा, बट पता नहीं मे भी मुझे बहुत दिनों से मोमोज नहीं मिले, इसलिए अच्छे लग रहे, या फिर ये सच में अच्छे है, बहुत अच्छे लगे, मजा आएगा गाइस, इट्स रियली गुड। मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया है मेथी मलाई पनीर, ये है चिकन नान, तो ट्राई करते हैं और मैं आपको टेस्ट का बता दूं क्या। ठीक ठाक से गाइस एवरेज है, चिकन नान इज गुड, सब्जी एवरेज। तो दोस्तों बिना मीठे के, बिना ब्राउनी के खाना कम्प्लीट हो सकता है यार, वही कुछ अधूरा सा फील हो रहा था, तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर ली सिजलिंग ब्राउनी विथ आइसक्रीम। आई थिंक ये सबकी ही फेवरेट हो गई, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी ये फेवरेट ना हो। चलो यहाँ की सिजलिंग ब्राउनी ट्राई करते हैं। You can never go wrong with sizzling brownie, guys. Never. Just awesome. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड डू चेक आउट माई अदर वीडियोज टू, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है अपने चैनल पे, एंड ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, पीस।